क्या सूंघ रही है? तेरे किसी यार दोस्त ने सुसु पार्टी किया होगा, उसी को तो सूंघ रही है गंदी बच्ची। फ्रेंड्स, फाइनली खाना बन गया और आज तो पापा ने मेरे लिए ये देखिए तड़के वाली छाछ आज पापा ने बना के दी। बाकी सुबह की दाल, गरम गरम रोटी, बचे हुए चावल और सलाद, ये है हमारा आज का डिनर। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। आज मैं व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ बालकनी से धूप सेकते हुए। धूप सेकने नहीं आया, एक्चुअली ऑफिस टाइम चल रहा है। मैं आया हूँ अपने गमलों में पानी डालने के लिए। साक्षी मैडम बोल के गई थी कि मेरे गमलों का ख्याल रखना, लेकिन सर्दियों में तो ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं 3 दिन से पानी नहीं डाला है, इसलिए आज डाल देता हूँ चारों गमलों में पानी। और फिर ये देखिए, सेब को भी धूप सिखा रहा हूँ मैं। फ्रिज में रखे हुए थे, बड़े ठंडे हो गए थे, मैंने कहा धूप में रख देता हूँ, फिर आधे घंटे में खाने लायक हो जाएगा ये सेब। और एक अच्छी बात है, कल मेड नहीं आई थी लेकिन आज मेड आने वाली है, तो बात हो गई है कि वो जयपुर गई थी, आज सुबह सुबह लौट आई है, तो थोड़ा देर से आएगी लेकिन आज खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं सोच रहा हूँ उनसे इतनी सब्जी बनवा लेता हूँ कि कल सुबह के नाश्ते तक का मेरा इंतज़ाम हो जाए। रोटी तो मैं बना ही लेता हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले गमले में पानी डालते हैं और फिर दोबारा काम करने भागते हैं। सबसे पहले तुलसी मैया को बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगा, सर्दियाँ हैं। फिर ये बेजिल लीव्स, ओ कड़ी पत्ता तो सूख रहा है। और चौथा गमला तो अपना अभी देखते हैं क्या स्टेज है। मैडम ने धनिया बोया था, उसके बाद चेक भी नहीं हुआ। ओ माय गॉड, वाओ, धनिया आ चुका है, बट ये धनिया जैसा लग तो नहीं रहा। अरे वाह यार, इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। लेकिन साक्षी मैडम ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। पेप्सी इधर आओ। पेप्सी भी ठंड में बैठी हुई थी, इसलिए मैंने पेप्सी के लिए यहाँ दरी बिछा दी। अब ये यहीं पे धूप सेक लेगी थोड़ी देर, 1 घंटा तो यहाँ धूप अच्छी खासी पड़ेगी, तो इसको भी थोड़ी धूप आ जाएगी। बाकी इसको जैकेट वगैरह पहना रखी है ताकि अपनी पट्टी को ठंड ना लगे। पेप्सी आप यहीं पे बैठो, पापा जा रहे काम करने के लिए। ठीक है पापा, क्या कर रहे हो? थोड़ा सा दूध पड़ा था उसमें, वो दूध में वो डाल दिया। मैं कर देता हूँ। नहीं हो गया। तो चलिए अब काम करने दोबारा बैठते हैं। आज पहले के मुकाबले कम ठंड है, रात को भी कम ठंड थी, यानी कि अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। सही है यार, इस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी है। अब फिर से हम रजाई में घुस जाते हैं और काम को रिज्यूम करते हैं। वैसे तो लंच टाइम होने वाला है लेकिन अभी मेड ही नहीं आई है, लंच ही नहीं बना है, तो जब वो आएगी 2 बजे के आसपास तब खाना बनवाएंगे और 3 बजे लंच ब्रेक ले लेंगे, तब तक काम करते हैं। ए, 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 ए। जी ए, पेप्सी मेरा क्या है? नाम तो मेरा मुझे पता है, मेरा तीनों तो मेरे थोड़ी हो सकते हैं। पेप्सी पीछे जाओ। थैंक यू। आ गया फ्रेंड्स, फाइनली लंच करने का टाइम मिल गया। खाना तो 3 बजे बन गया था लेकिन उस समय मैं काम कर रहा था, तो मैं 4 बजे लंच कर रहा हूँ। और बने हैं दाल चावल और साथ में तुरई की सब्जी, तो तुरई की सब्जी मैं खाऊंगा रात को। और अभी फिलहाल दाल चावल खा लेते हैं, पापा को पहले ही खाना दे दिया था। ये रहे राइस, चावलों के ऊपर ही डाल देता हूँ, बर्तन वेस्ट नहीं करते भैया। मेड ने छुट्टी मार ली तो बर्तन मुझे ही धोने पड़ेंगे, इसलिए बर्तन संभाल के यूज कर रहा हूँ मैं इस दौरान। ओ काटा है, फ्रिज में रख दिया है, शाबाश, कुछ ज़्यादा ही सलाद काट दिया है, ये तो 2 दिन चल जाएगा। फ्रेंड्स, रात के 9:15 बज गए हैं और अब तक मेरा ऑफिस का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी मुझे लगता है अगर मैं बैठा रहूँगा तो 10-15 मिनट और लग जाएंगे, लेकिन अब मैंने काम को होल्ड पे डाल दिया है और पापा के लिए रोटी बना रहा हूँ। मैं तो चलो देर से भी खा लूँगा लेकिन पापा को कब तक भूखा रखें, तो फटाफट से पेप्सी और पापा के लिए रोटी बना लेते हैं और फिर दोबारा काम पर लगते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ चावल ही खा लूँगा, सुबह के चावल बचे हुए हैं।
फ्रेंड्स फाइनली खाना बन गया और आज तो पापा ने मेरे लिए ये देखिए तड़के वाली छाछ, ये पापा बनाते हैं सर्दियों में, पापा को बहुत पसंद है। एक्चुअली साक्षी भी ट्राई करती है लेकिन साक्षी से वो बनी नहीं पाती, आज पापा ने बना के दी। बाकी सुबह की दाल, गरम गरम रोटी, बचे हुए चावल और सलाद, ये है हमारा आज का डिनर। Later that night. इस कमरे में क्यों बैठ गए हो? इस कमरे में तो कोई नहीं है ना बेटा, चलो यहाँ से चलो आओ। फ्रेंड्स पेप्सी को लिफ्ट से नहीं जाना है, स्टेयर से जाना है। चलो आलसी हो गई तू भी, खाना खा के वॉक करने निकला हूँ, सोचा पेप्सी को भी वॉक कराता हूँ। लेकिन ये मैडम लिफ्ट की इतनी डिपेंडेंट हो गई हैं, इंसान तो होते ही थे, जानवर भी आजकल लिफ्ट के डिपेंडेंट हो गए, सीढ़ियों से आना ही नहीं चाहती है। मुझे इतना खींच रही है ना, मैं गिर पड़ूंगा। ये देखिए बार बार मुझे छुड़ाकर ऐसे लिफ्ट के पास खड़ी हो जा रही है, हाथ बार बार मत छुड़ा मैं गिर जाऊंगा सीढ़ियों से। पूरी रोड छोड़ के इसको ये मिट्टी में चलने का बड़ा मजा आता है, जानबूझ के ऊपर मिट्टी में चली जाती है। पेड़ में क्या सूंघ रही है, क्या सूंघ रही है? तेरे किसी यार दोस्त ने सुसु पार्टी किया होगा, उसी को तो सूंघ रही है गंदी बच्ची। फ्रेंड्स मेरा झूला झूलने का मन कर रहा है तो 2 मिनट के लिए इसको खुला छोड़ देते हैं और हल्का सही सही झूला झूलते हैं। क्या लगता है आपको, ये मेरा वज़न झेल पाएगा? अरे इसके लेके देखते हैं कि मेरा वज़न झेल पाता है नहीं झेल पाता है। ये देखिए फ्रेंड्स जल्दीबाजी में मैं साक्षी के चप्पल पहन के आ गया हूँ, साक्षी तो है नहीं, इसके चप्पल ऐसे ही पड़े रहते हैं, मुझे अपनी नज़र नहीं आई, मैंने उसकी पहन ली और वही पहन के आ गया हूँ। झूले झूलने बिजी हो गया, मुझे पेप्सी नज़र नहीं आ रही थी, मैं डर गया, मैंने कहा ये कहाँ भाग गई, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ये घास फूस के बीच में छुप गई थी, डर गया मैंने कहा अगर ये खो गई ना मैं कहाँ ढूंढूंगा इतने अंधेरे में। मिल गई, चल बेटा अब ऊपर चलते हैं, बहुत हो गई मस्ती, व्लॉग भी अब कंप्लीट ही हो गया। तो फ्रेंड्स अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, मिलेंगे कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।